समाज की स्थापना के लिए भय को शासन का आधार बनाना पड़ता है। यूपी में इस नीति को सख्त किया गया है। अपराधियों में भय बना रहे इस इरादे के साथ काम हो रहा है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। इस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बिजनौर के मामले से इस डर को आसानी से समझा जा सकता है। यूपी के बिजनौर में 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर दीपू उर्फ साहब सिंह ने चांदपुर सीओ ऑफिस के पास खुद ही पैर में गोली मार दी। बात इतनी ही नहीं, खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने साहब सिंह को गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करा दिया। क्या नाम है आपका? दीपू। दीपू कहाँ के रहने वाले हो? बिलासपुर। अच्छा, वैसा साहब सिंह, क्या मामला हुआ? क्या मामला हुआ आपके साथ? कैसा गोली लगी आपके? मैं तवंचा खा लिया था। अच्छा, कहाँ से? मतलब पेशाब कर रहा था जब लग गई। अच्छा, तो आपके पास था तवंचा? आपके पास था? हाँ। अच्छा, क्या यहाँ क्या करने आए थे चांदपुर? क्या हुआ? वकील से जान का लेना आया था, एंटी सोटी बेल की। कौन सा वकील? वो जा वकील का नाम याद ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं मुंह में चला गया पेशाब आ रहा था। हाँ। जैसे पेशाब करने के लिए बैट खोल ली और गोली चल गई। अच्छा अच्छा, तो कौन से परेशान? पुलिस परेशान करती थी क्या? हाँ, पुलिस परेशान कर रही थी। कहाँ की पुलिस परेशान? पंडावर थाने की। किस केस में? 307 में। कब हुआ था आपके खिलाफ मुकदमा? होगा 15 दिन। डावर थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव में अपने घर पर बिजली चेकिंग और कनेक्शन काटने से नाराज होकर इनामी हिस्ट्री शीटर दीपू उर्फ साहब सिंह ने बिजली महकमे के जेई दीपक कुमार को गोली मार दी थी और मौकाए वारदात से फरार हो गया था। इसके बाद से पुलिस की 5 टीमें फरार साहब सिंह की तलाश में जुटी थी। 13 मई को मंडावर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश, जिसका नाम साहब सिंह, उसने बिजली चेकिंग के दौरान एक जेई को गोली मार के घायल कर दिया था। इस बदमाश के 6 साथियों की गिरफ्तारी बिजनौर पुलिस ने पिछले 10 दिन में कर रखी थी। माननीय न्यायालय ने इसके विरुद्ध NBW जारी कर रखा था। इसके ऊपर DIG मुरादाबाद रेंज सर ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। बिजनौर पुलिस उसकी गिरफ्तारी के भरसक प्रयत्न कर रही थी। आज ये बदमाश घायल अवस्था में चांदपुर थाना क्षेत्र से पुलिस हिरासत में लिया गया है। इसने पूछताछ में ये बताया कि मंडावर पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी और पुलिस के भय से इसने अपने आप को गोली मार के घायल किया। अभी ये पुलिस हिरासत में, इसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर का बरामद कर लिया गया है। इस केस में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खैर, साहब सिंह का कहना कुछ और है और पुलिस का कुछ और। फिलहाल इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।